गुड इवनिंग आप सभी लोगों को, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने परिवार फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर में। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि आज आपके जो है 4 सितंबर 2024 है और आप लोगों का स्पॉट एडमिशन का फाइनल मेरिट लिस्ट सारे कॉलेज ने जारी कर दिया है। हमने भी अभी तक जो है 10 कॉलेज का मेरिट लिस्ट पीडीएफ टेलीग्राम पर भेजा है, वीडियो भी बनाया है और अभी हम जो है आप सभी लोगों के लिए पीटीईसी मैरवा सिवान के ऊपर बात करने वाले हैं। स्पॉट एडमिशन मेरिट लिस्ट के ऊपर बात करने वाले हैं कि जो आपका पीटीईसी मैरवा सिवान है यहाँ पर कितने बच्चों का सिलेक्शन साइंस आर्ट्स और कॉमर्स में हुआ। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसका पीडीएफ आपको जो है टेलीग्राम पर मिल जाएगा। फ्यूचर ऑनलाइन क्लासेस सोनपुर के नाम से टेलीग्राम है, वहां पर 10,000 से अधिक लोग ज्वाइन है, जरूर ज्वाइन करें। साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहूंगा अभी हम इस पीडीएफ में जितने भी बच्चों का नाम है वो सारे बच्चों का नाम यहाँ पर अनाउंस करेंगे, साथ ही साथ उनका चयन फर्स्ट स्पॉट राउंड में हुआ है और यह जो कॉलेज का नाम है वो आपका पीटीईसी मैरवा सिवान के ऊपर बात कर रहे हैं। यहाँ पर आपको नोटिस दिख रहा होगा और यहाँ पर देख सकते हैं प्राइमरी टीचर एजुकेशन कॉलेज आपका मैरवा सिवान की बात कर रहे हैं और ये आपका सिलेक्शन लिस्ट जो है आर्ट्स और कॉमर्स के लिए है। सबसे महत्वपूर्ण चीजें जो यहाँ पर आपको देखने की जरूरत है कि टोटल यहाँ पर 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है आर्ट्स और कॉमर्स मिलाकर, जहां पर यहाँ पर आपको एप्लीकेशन रिसिप्ट नंबर देखना है, नेम देखना है, फिर आपको जो है कैटेगरी यहाँ पर आपको देखना है, ये आपको देखना है। गला थोड़ा फंस रहा है, माफी चाहूंगा। यहाँ ध्यान दीजिएगा, पहला यहाँ पर आपका सीरियल नंबर 17 है, सीरियल नंबर, थोड़ा सा मैं पानी पी लेता हूं ताकि दिक्कत नहीं हो। चलिए यहां पर जो है देख सकते हैं सीरियल नंबर आपका जो है 70 है और यहां पर आपका नाम जो है अखिलेश कुमार ठाकुर है जिनका सिलेक्शन जो है यूआर में ईवीसी से हुआ है, समझ गए ना। दूसरा सिलेक्शन जो है रसीद नंबर यानी कि एप्लीकेशन रसीद नंबर 101 है और यहाँ पर जो है उपेंद्र कुमार चौहान है जिनका सिलेक्शन ईवीसी से हुआ है। वहीं पर तीसरा है 140 रसीद नंबर है, यहाँ पर देख सकते हैं प्रीति रॉय है जिनका सिलेक्शन यूआर कैंडिडेट में ईडब्ल्यूएस से हुआ है। चौथा आपका जो है 319 नंबर एप्लीकेशन नंबर है यानी कि एप्लीकेशन रसीद नंबर, इनका नाम जो है प्रियंका कुमारी है और यहाँ पर देख सकते हैं इनका सिलेक्शन भी ईडब्ल्यूएस से हुआ है और ईवीसी से हुआ है इनका सिलेक्शन। वहीं पर पांचवा नंबर है 178 रसीद नंबर रुपेश कुमार जिनका सिलेक्शन जो है बीसी कैंडिडेट से यूआर में ही हुआ है। वहीं पर बात कर ले छठा नंबर, तो इनका नाम जो है अर्पिता मिश्रा है जिनका सिलेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस में हुआ है। वहीं पर देख लीजिएगा 300 आपका जो है 15 जो है क्या है आपका एप्लीकेशन नंबर आयुष कुमार उपाध्याय जिनका सिलेक्शन जो है ईडब्ल्यूएस से हुआ है। वहीं पर 8 नंबर देखिएगा तो यहाँ पर 267 यहाँ पर है भगवान मिश्रा जी, इनका सिलेक्शन भी यूआर के ईडब्ल्यूएस से हुआ है। अगला 9 नंबर है 147 एप्लीकेशन नंबर आकांक्षा कुमारी जिनका सिलेक्शन बीसी कैंडिडेट में हुआ है। वहीं पर बात कर ले 10 नंबर, तो इनका 175 एप्लीकेशन नंबर किरण कुमारी, इनका भी बीसी कैंडिडेट में ही हुआ है सिलेक्शन। 11 नंबर की बात कर ले तो यहाँ पर 284 एप्लीकेशन नंबर दिव्या मधेसिया जिनका जो है सिलेक्शन ईबीसी से हुआ है, समझ गए ना। वहीं पर 12 नंबर देख ले 133 रसीद नंबर जिनका विनंजय कुमार का सिलेक्शन जो है आपका एससी कैंडिडेट में हुआ है। वहीं पर बात कर ले आप 13 नंबर, तो इनका 264 जो है एप्लीकेशन सीरियल है जिनका नाम जो है दीपक कुमार है, इनका भी आपका एससी कैंडिडेट में हुआ है। वहीं पर 14 नंबर देख सकते हैं तारा कुमारी जिनका भी सिलेक्शन एससी कैटेगरी में हुआ है। वहीं पर बात कर ले 15 नंबर, तो यहाँ पर 120 सीरियल नंबर यानी कि एप्लीकेशन नंबर 120 और एप्लीकेशन नंबर 161 जिनका नाम जो है नेहा कुमारी और यहाँ पर जो है प्रतिभा कुमारी दोनों का इनका सिलेक्शन जो है एससी कैंडिडेट से हुआ है, एससी कैंडिडेट से जो है इनका हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, समझ गए। तो आप ये सारे बच्चे और बच्चियां जिनका सिलेक्शन जो है आर्ट्स और कॉमर्स से हुआ है जो कि डायरेक्ट पीटीईसी मैरवा सिवान में हुआ है, आर्ट्स ऑनर से हुआ है, आर्ट्स और कॉमर्स से। अब हम जो है बात करेंगे कि साइंस वाले बच्चों का जो सिलेक्शन हुआ है, पीटीईसी मैरवा की बात कर रहे हैं और यहाँ पर साइंस की बात कर ले तो साइंस में केवल जो है 10 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 10 बच्चों का। जहां पर देखिएगा एप्लीकेशन नंबर बात कर ले तो 118 का हुआ है जिनका नाम जो है प्रतीक्षा है, इनका जो है यूआर कैंडिडेट से ईबीसी से हुआ है। वहीं पर बात कर ले दूसरा, तो दूसरा में जो है 328 एप्लीकेशन रसीद नंबर है
मंजुला कुमारी जिनका जो है यूआर में यूआर से हुआ है समझना। तीसरा आपका जो है 76 इनका जो है एप्लीकेशन रसीद नंबर है, जिनका जो है प्रकाश आनंद नाम है इनका ईडब्ल्यूएस से हुआ है। वहीं पर बात करें 6 नंबर तो इनका 60 रसीद नंबर है और इनका नाम जो है अंजू कुमारी है जिनका बीसी कैंडिडेट में हुआ है। वहीं पर बात कर ले 3 नंबर यहाँ पर सीरियल नंबर 3 से बात कर ले यहाँ पर 94 जो है इनका अप्लीकेशन रसीद नंबर है वहां पर देखिएगा तो सुधा कुमारी इनका नाम है और इनका बीवीसी से सिलेक्शन हुआ है। वहीं पर बात कर ले 27 जो है इनका अप्लीकेशन सीरियल नंबर है और इनका सिलेक्शन जो है इनका नाम क्या है रिजवाना खातून इनका जो है ईवीसी से सिलेक्शन हुआ है। वहीं पर बात कर ले 216 जो है रसीद नंबर इनका सिलेक्शन जो है अफरीन खातून का सिलेक्शन जो है ईवीसी से हुआ है। वहीं पर बात कर ले 8 और 9 और 10 की तो ये आपका 68 नंबर इनका रसीद नंबर है जिनका नाम जो है गुड्डू कुमार राम जिनका सिलेक्शन एससी कैंडिडेट में हुआ है। वहीं पर बात कर ले 58 यहाँ पर आप देखिएगा 58 जो है वन मिनट यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा 58 इनका जो है एप्लीकेशन सीरियल नंबर है नेहा कुमारी और एक आपका 31 है सचिन कुमार। नेहा कुमारी और सचिन कुमार दोनों का सिलेक्शन जो है एससी कैंडिडेट में आपका हुआ है। तो ये इतने बच्चे 10 बच्चों का सिलेक्शन जो है पीटीईसी मेरवा में साइंस विषय से हुआ है और वहीं पर यहाँ पर हमने आपको बताया टोटल आपका 16 बच्चों का यहाँ पर सिलेक्शन आपके 8 से हुआ है। तो दोनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथ ही साथ आपका इसका पीडीएफ टेलीग्राम पर मिल जाएगा। आशा करते हैं जो भी बच्चे पीटीईसी मेरवा सिवान से बिलोंग करते हैं उनको ये बातें समझ में आ गया होगा। बहुत जल्द हम आपके और भी कॉलेज के ऊपर बात करेंगे जैसे जैसे नोटिस आ रही है वैसे वैसे आप सभी लोगों को बताया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद।